बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव है वो पूरे संपन्न हो चुके हैं और लोकसभा के चुनाव के परिणाम जो आए थे उत्तर प्रदेश के वो आप सभी को पता है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 10 सीट जीतकर उभरी थी और समाजवादी पार्टी को पिछले 2014 के आंकड़ों के मुताबिक ही 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यानी जो सपा बसपा का गठबंधन बना था उत्तर प्रदेश के अंदर, लोगों के अंदर जिसको लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, उस गठबंधन को केवल मात्र 40% के करीब वोट और कुछ संख्या के अंदर उनको सीटें, 15 सीटें उनको मिली, बाकी सब बीजेपी के और उसके सहयोगी दलों के खाते में चली गई। इसके बाद अब सवाल खड़ा होता है कि उपचुनाव के अंदर सपा बसपा गठबंधन ने अलग लड़ने का फैसला ले लिया है। आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी ने भी अब अलग रुकन पा लिया है। वही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम उपचुनाव है लड़ेंगे, पहली बार उपचुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी। तो मैं आपको बता रहा जा रहा हूं और ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप मान सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आप 100% श्योर गारंटी के साथ किसी और चैनल पर आपको नहीं दिखाई जाएगी। वही खबरें जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में लगातार दिखाई थी, वही खबरें अब विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव की खबरों की हम पहली जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि 11 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उन 11 के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन 11 में से एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपको किसी भी टीवी चैनल से या न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको आज ये बहुत बड़ी खबर और दे रहे हैं और ये पुष्टि भी कर रहे हैं इसकी खबर की। इगलास लोकसभा जो विधानसभा की सीट है, इगलास विधानसभा की सीट जहां पर उपचुनाव होने, वहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी, आपको बता दें कि कल समीक्षा बैठक में हार पर मंथन चल रहा था बहुजन समाज पार्टी की। सुबह से लेकर शाम तक इस बैठक के अंदर हार पर मंथन चला गया, आखिर हार कहां पर हुई, हाथरस जो लोकसभा का क्षेत्र था इस क्षेत्र का, और आपको बता दें कि इसके बाद उपचुनाव में क्या करना उस पर भी रणनीति बनाई। लेकिन उसके बाद देर जब अंत के अंदर यहां से इगलास जो विधानसभा की सीट है वहां से अभय कुमार बंटी को विधानसभा का प्रभारी नियुक्त कर दिया। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जिस व्यक्ति को प्रभारी बनाया जाता है वही आगे जाकर प्रत्याशी होता है। उसको चुनाव से पहले जब टिकट फाइनल करती है उससे पहले प्रभारी बनाया जाता है और उसके तौर पर उसका कामकाज देखा जाता है कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस वो देता है। परफॉर्मेंस देने के बाद ही उसको आगे का रणनीति है वो बनाई जाती है। तो आपको बता दें कि इगलास विधानसभा की सीट से अभय कुमार बंटी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो यहां से आपको बता दें कि ये विधानसभा के अभी तो प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन बीएसपी में प्रत्याशी जो प्रभारी होते हैं वही प्रत्याशी होती है। लोकसभा चुनाव के अंदर अभी आपने देखा था कि तमाम वही सीटें, कुछ सीटों के ऊपर केवल 2 या 3 सीट ऐसी थी जिनको लेकर प्रभारी जिनको बनाया गया था उनको एंड वक्त पर बदला गया था, बाकी सब जगह जो प्रभारी जिनको बनाया गया था वही आगे जाके प्रत्याशी बने थे। तो आपको बता दें कि इस जो बैठक थी, इस बैठक के अंदर इस सेक्टर के प्रभारी और वर्तमान के नव निर्वाचित बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो नगीना से जीत कराए गिरीश चंद्र जाटव, वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे और उन्होंने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि इस बैठक में हार का कारण जो सामने आया, जो प्रेस नोट जारी किया गया पार्टी की तरफ से, उसमें बताया कि हार का कारण यादव समाज का 2 विधानसभा सीटों पर वोट बैंक नहीं मिलने के कारण बसपा इस सीट पर लोकसभा चुनाव हारे हैं गठबंधन। ये यहां के जो प्रत्याशी और जो संबंधित कार्यकर्ता थे उन्होंने ये फीडबैक दिया है। आपको बता दें कि सीट से बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय, आपको बताया कुछ दिन पहले ही उनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिखा दिया था, लेकिन इस बैठक में भी गिरीश रामवीर उपाध्याय के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। आपको बता दें कि उनके परिवार का कोई सदस्य भी इस बैठक में नहीं आया, क्योंकि उसको कुछ दिन पहले ही बसपा ने निकाल दिया और उस समय रामवीर उपाध्याय ने पार्टी पर कमेंट करके कहा था कि आज के बाद यहां से पार्टी खत्म हो जाएगी। अब विधानसभा के बाद ये जो उपचुनाव होने, इसके बाद देखा जाएगा कि वाकई में ही यहां से बसपा कितना वोट प्रतिशत ले पाती है, लेकिन इतनी आसान चुनौती नहीं है क्योंकि बीजेपी यहां से काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है ग्राउंड लेवल पर भी और ऊपर लेवल पर भी। बसपा की जो समीक्षाएं बैठक हो रही है उनमें तनातनी की खबरें भी आ रही है, चाकू मारने तक की भी खबर वो सामने आई, कहीं अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है, लेकिन हम उस घटना को आपको नहीं दिखाना चाहते। सामाजिक परिवर्तन और आप कई चीजें मान सकते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से ये साफ दिखाई जा रहा है कि जो आपसी जो तालमेल है, सामंजस्य है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है बहुजन समाज पार्टी का। मिलेंगे किसी नए वीडियो अपडेट और नई जानकारी के साथ, तब तक आपसे उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।